शिवराज सिंह चौहान ये कमलनाथ जी को कहते हैं, जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे, कि कोरोना का नाटक बंद करो, अब क्या हुआ, खटिया पकड़ ली है शिवराज जी, खटिया पकड़ ली, काहे पकड़ ली भैया, कोरोना हो गो है, का हो गो कोरोना, ससुरेशन ना लायक लोग बैठे। अमीन एक वो चक्रपाणी महाराज है कोई, ये उनके जैसे लगे पड़े, गौमूत्र पी लो, गौमूत्र पी लो, अबे मूत पीने से कोरोना ठीक होगा, गौमूत्र पी लो, गोबर खा लो, कुत्ते की टट्टी उठा लो, ये सब करने लगे ये बेवकूफ लोग। फिर वो आगे काटा राजा मेरी कोरोना बनाती कोरोना। हाँ भगवान ने कहा था कि जब देश को लगे कोई गलत काम करो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ए अचंभित पात्रा कहां से आ गया, ए अचंभित जो ये देख आ गया अचंभित पात्रा, ए अपना वो पनिशमेंट सुनते ही अचंभित जरूर आ जाता है, अचंभे जैसे बातें बात कर लेंगे, ओके गेट लॉस्ट। हाँ फौजी जी, तो आप ही ने कहा था कि आपके साथ देश वो पनिशमेंट करना चाहे जो पनिशमेंट करना चाहे करेंगे, हम तो कहते हैं आपके 15 लाख और हम लोगों की 15 लाख, बोलिए मंजूर है, मंजूर है। जिस जिस को ये प्रोग्राम देख रहा है और ये प्रपोजिशन पसंद है कि मोदी जी के ऐसे 15 लाख, फोदी जी के ऐसे 15 लाख पे क्या फोदी जी को 15 लाख पड़नी चाहिए फोदी जी को, अगर हाँ तो शेयर दबाइए, कमेंट करिए ताकि पता चले फोदी जी को कि फोदी जी ऐसे 15 लाख के बदले में 15 लाख। रातें ये मौसम नदी का किनारा करोना हवा, वाह आज तो बादल बारिश नदी किनारा मिट्टी धूल हर चीज में एक ही चीज आ रही है करोना हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा करोना हवा, ऐसी हवा चलाई मोदी जी का दिया वचन 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे आपके देश के अकाउंट में, आज 15 लाख आ गए, 15,16,129 15,16,129 15,15,16,129 कोरोना मरीज का लास्ट काउंट जो लाइव आया, वो देख के धन्य है प्रभु, धन्य है मोदी जी कि आपने इस देश को जो 15 लाख का कब वचन दिया था, चलते चलते आ ही गया, चाहे किसी भी रूप में आया हो क्या फर्क पड़ता है, आपने अपनी जुबान रखी, मूछ रखी, मूछ के बाल रखे, सर के बाल रखे, जाने क्या क्या रख दिया, आज तो एक ही चीज समझ में आती है मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया, 15 लाख आएंगे और 15 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज आज भारत में हो चुके हैं, जिसमें से बहुत अच्छा एक नंबर है जो 9 लाख के ऊपर है, जो ठीक भी हो गया है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और सरकारी आंकड़ों को माने तो अति दुखद बात है कि 33,800 से ज़्यादा, सरकारी आंकड़े कहते हैं 33,800 लोगों से ज़्यादा भारतीयों की इस कोरोना काल में कोरोना से मृत्यु हुई है, ऐसा भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं। तो उनकी तरफ श्रद्धांजलि, जो अब नहीं रहे जिंदगी में दुनिया में, लेकिन जरा बाकी देश की तरफ भी देख लिया जाए, 15 लाख आ गए, 15 लाख, और जैसा मैंने अपने हेडिंग में साफ साफ लिखा है, न्योता दिया है कि आज फोदी जी भी आएंगे, आह जी भी आएंगे, आज आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, आप लोगों से मिलने फोदी जी आ रहे हैं, आप लोगों से मिलने
आह जी आने वाले हैं। ऐसे मौके पे जब देश में 15 लाख से ऊपर कोरोना मरीज का काउंट हो गया है, उन लोगों से मिलना है तो शेयर का बटन दबाइए। शेयर का बटन अगर आप नहीं दबाएंगे तो फोदी जी कैसे आएंगे? फोदी जी तो कैमरा पे दिखना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि सबको दिखाई दे फोदी जी। तो फोदी जी को अगर देखना चाहते हैं पूरे देश को दिखाइए, शेयर का बटन दबाइए। 15 लाख हो गया आज इस देश के अंदर। तो दोस्तों जरा फोदी जी और आह जी आए, उससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इस समय दोबारा याद कर लेना, बात कर लेना छोटे में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस जो है वो सन 2019 के अक्टूबर के महीने से चीन में फैल रहा था, और सरकारी इन्फॉर्मेशन और बाकी दुनिया की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 31 दिसंबर 2019 को किसी चीन ने WHO को ये बता दिया था कि उसके देश में एक बहुत बड़ी महामारी आ चुकी है जिसका उस समय कोई नाम नहीं था, लेकिन उसने कहा था निमोनिया जैसी दिखती है, और उसने ये बताया था कि महामारी उस देश में हो चुकी है। उसके बाद हमारे तो पड़ोस में है चीन, दुनिया भर की रामायण नाटक नौटंकी होती है चीन के साथ, हमारे RSS वालों की, भारतीय जनता पार्टी वालों की, और मोदी जी की झूला झूलने से लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जा करके मुलाकात करके उनसे माओवाद सीखने तक का सब कुछ होता है। लेकिन इसी मोदी सरकार को ये नहीं पता चला था कि भाई किसी वजह से ये महामारी जो है उसका क्या किया जाए, ऐसा हम मान सकते हैं। जनवरी के अंत आते आते WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया कि भाई ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पैंडेमिक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जनवरी के एंड में उसने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था इस कोरोना महामारी को। तो मोदी जी फिर भी सोते रहे, और आह जी भी सोते रहे, शाह जी भी सोते रहे, सारा देश का सरकार का तंत्र सोता रहा, और मेरे ख्याल से उनको ये था कि हमारी ज़मीन पे कोरोना जैसी क्या छोटी मोटी बातें आएंगी, आएंगी तो एक लपड़ मार के भगा देंगे, ऐसा कुछ सोचा होगा उन्होंने कि हमारे पास तो बहुत ताकत है, हम तो विश्व गुरु हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो हुआ ये कि साहब जनवरी के महीने में जो सरकार हमारी सोती रही, और फरवरी में तो उनको बड़े बड़े काम करने थे, याद है ना, नमस्ते ट्रंप भी करना था 24 फरवरी को, तो इतने बड़े बड़े उनको काम करने थे, ट्रंप साहब को घुमाना फिराना था, तो भारत की तो ऐसी कम तैसी मोदी जी के लिए, तो उन्होंने पहले अपने काम ये पूरे करे। और उसके बाद जब फरवरी का अंत आया तब तक ये मालूम चला कि इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े तादाद में लोग बीमार पड़ चुके हैं, तब तक हमारा मीडिया भी हमको नहीं दिखा रहा था, यू नो गोदी मीडिया कहते हैं जिसको आप लोग, तो गोदी मीडिया जो है वो नहीं दिखा रहा था। लेकिन हाँ मैं दाद दूंगा, मैं क्योंकि हर चैनल पे जाता रहा हूँ, तो CNN न्यूज 18 एक इंग्लिश चैनल है, आप लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी जी का चैनल है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि, और मैं ये दाद दूंगा कि CNN न्यूज 18 जो इंग्लिश चैनल है वो जनवरी से हर रोज एक कैप्सूल मतलब आधे घंटे का कहा जा सकता है, वो प्रोग्राम आनंद नरसिम्हन जो मेरे दोस्त और एंकर हैं वो चलाते थे। तो इतना भी नहीं है कि उन्होंने नहीं चलाया, सिर्फ उस चैनल ने चलाया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि बाकी पूरा जो गोदी मीडिया था वो कोरोना को तो ये समझता था कि बस आएगा तो हम फूंक के मार देंगे जैसे पाकिस्तान को रोज मार देते हैं, तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन मार्च का जब महीना आया तो ये बड़ा जानने लायक चीज है कि मार्च का जब महीना शुरू हुआ तो साहब हमारे देश में तो कोई कोरोना था ही नहीं, है ना, मतलब क्या व्हाट कोरोना, नॉनसेंस, ब्लडी नॉनसेंस। तो मोदी जी ने तो जब देखा कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी वापस चला गया अमेरिका नमस्ते ट्रंप करके, और बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल उनका प्रोग्राम रहा, कई लाख के ऊपर लोग आए वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके बाद ये हुआ कि वहां जाकर के ट्रंप ने जब अमेरिका में इसी को जरा समझा कि हाँ यार ये तो पिछवाड़े में तकलीफ करने वाली चीज है, तो उसकी जो उसके जो गवर्नर्स थे अलग अलग राज्यों के, उन्होंने लॉकडाउन करना शुरू किया, उन्होंने चीजें बंद करनी शुरू करी, और ट्रंप लेकिन गुस्सा था, लेकिन उस चीज से मोदी जी ने एक चीज समझ ली कि भाई इकोनॉमी जो इस देश की, भारत देश की जो डूबी पड़ी है, मरी पड़ी है, इससे बचने का कि इस देश के सामने हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे जब 2019-20 का जब सालाना फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो चलो एक काम करते हैं कि कोरोना खेलते हैं। ये उनके दिमाग में आया, किसके, मोदी जी के दिमाग में। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने पहले तो कोरोना के ऊपर कुछ बातें शुरू करी, यानी कि भारत सरकार ने कुछ बोलना शुरू करा। ICMR उसकी तो उन्होंने
साइड में रख दिया था कि कौन ICMR कौन WHO, ब्लडी ऑर्गेनाइजेशन। मैं चैनल पे बैठता हूँ, एंकर हमको कहते थे क्या WHO की बात करते, जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार से बड़ी थोड़ी ना है, वगैरह वगैरह। तो साहब मुझे याद है 13 मार्च 2020 के दिन मैं टाइम्स नाउ के चैनल पे बैठा था, राहुल शिवशंकर का जो शो होता है 8 o'clock डिबेट, उसके ऊपर मैं बैठा हुआ था। और वहां पे नेफ्रॉन जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मेडिसिन लाइन का, हॉस्पिटल वगैरह का, उसके डॉक्टर संजय बगई भी बैठे थे। 13 मार्च की बात है, ये वो दिन था, मैं भी था पैनल पे, ये वो दिन था दोस्तों जिस दिन भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस देश में भारत में कोरोना इमरजेंसी नहीं है ये डिक्लेयर किया था। अब आप समझ सकते हैं कि 13 मार्च को भारत सरकार ने कोरोना भारत में इमरजेंसी नहीं है ये इन्होंने घोषणा कर दी थी, ठीक है सर। 13 के बाद दो दिन बाद 15 तारीख आती है, 15 मार्च को श्रीमान नरेंद्र मोदी सार्क सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका जो सम्मेलन है सार्क जो है, सार्क सम्मेलन में भाग लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब वो भाग लेते हैं तब भाई वो कह रहे थे सबको, हम ऐसी ऐसी लैब बनाएंगे, हम ऐसे ऐसे PPE बनाएंगे, हम लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्च करेंगे, पड़ोसियों की मदद करेंगे, हम बड़े भाई हैं इस सार्क एरिया के, साउथ ईस्ट एशिया के हम बड़े भाई हैं, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे। उस दिन मैं ये सोच रहा था कि जब ससुर हमारे यहाँ है ही नहीं इमरजेंसी, तब ये इतना बड़बोलापन क्यों कर रहे हैं। लेकिन चलिए वो दिन भी बीत गया, अब 15 तारीख बीत गई। याद रखिए 13 तारीख को नो इमरजेंसी भारत सरकार, 15 तारीख को विदेशों के साथ ऐसी ऐसी बातें हो रही जैसे हम तो पता नहीं क्या बड़ा बड़ा बात करने वाले, और 19 तारीख को मोदी जी प्रकट होते हैं टेलीविजन पर और लोगों से कहते हैं कि भैया 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा दो, जनता कर्फ्यू लगा दो। और पूरे भारत ने बड़े प्यार से एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया। आपको याद होगा सुबह 9 से लेकर के 8 बजे से लेकर के जितने भी बजे शाम तक का समय था, रात तक का समय था, तो भाई लोगों ने बड़ी खुशी से, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, पढ़े लिखे हों अनपढ़ हों, अमीर गरीब आदमी औरत बूढ़ा जवान, सबने बड़े प्यार से कि चलिए शायद ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि भाई एक महामारी से तो कौन नहीं बचना चाहेगा। तो सबने पूरे भारतवर्ष ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ दिया और 22 मार्च, 24 घंटे का जनता कर्फ्यू सबने किया। याद आता है वो सोनू निगम का वीडियो, सोनू निगम जानते हैं ना, मोदी के पीछे पूंछ घुमा के घूमने वाला वो सिंगर जो हर समय मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी करता रहता है, वो सोनू निगम ने ये कहा था, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक देखिए, ऑन रिकॉर्ड है वीडियो, सोनू निगम मोदी का चाटुकार अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कहता है वीडियो बना के, वो भी दुबई में बैठ के, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक देखिए, सोनू निगम कह रहे हैं 12 घंटे की आयुष होती है कोरोना वायरस की, सोनू निगम कह रहे हैं, और मोदी जी ने 14 घंटे का जनता कर्फ्यू करा दिया, सोनू निगम कह रहे हैं, क्या मास्टर स्ट्रोक है, सोनू निगम कह रहे हैं, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, सोनू निगम कह रहे हैं, ऐसा तो पूरी दुनिया में किसी देश ने नहीं किया, सोनू निगम कह रहे हैं, क्योंकि सोनू निगम बेवकूफ है एक नंबर के। हाँ वो सीखा किससे, मोदी जी से, वो एक दो नंबर के बेवकूफ है, एक और एक दो नंबर बेवकूफ है नरेंद्र मोदी, तो उनसे सीखने वाले लोग भी महाबेवकूफ हैं। और 25 तारीख के लिए जो लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई, मोदी जी ने प्रकट हो गए कहा था कि भैया अभी सिर्फ 550 ओनली 550 कोरोना मरीज हैं, और हम महाभारत की लड़ाई की तरह 18 दिन में महाभारत हो गई थी खत्म और लड़ाई जीत ली थी पांडवों ने, हम 21 दिन में जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भारत के प्रधानमंत्री, शर्म की बात है, महाभारत से जोड़
क्या हुआ? हुआ ये कि नंबर जो है वो 25 मार्च से ऐसे टकाटक 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 टकाटक, क्योंकि भैया उसके पहले तो तुम टेस्टिंग ही ना करते थे, तुमको पता ही नहीं था कोरोना नाम की बीमारी है कि चिड़िया है, तुम टेस्टिंग ही नहीं करते थे, फिर तुमने टेस्टिंग करनी शुरू करी, तो ऐसे ऐसे बढ़ा, ऐसे चिड़िया फुदकती है ना, ऐसे नंबर बढ़े। और फिर भैया मोदी जी के कि ससुर अब का होगा, अब कैसे बचाएंगे देश को, नहीं कुर्सी को, कैसे बचाएंगे? तो भैया मोदी जी ने फिर दुनिया भर का नाटक किया, उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया, सारे ऑफिस बंद करा दिए, सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी, अरे घर से बाहर निकलना बंद करा दिया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर, ये कर दिया, और कोई निकलेगा तो पुलिस सख्ती करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती करेगा, जबकि पता कुछ नहीं था लल्लू को, कछु ना पता था कि कोरोना का है, चिड़िया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कौआ है, का है, कौआ कोरोना सब एक बराबर था उनके लिए, बस ये है कि आप घर से बाहर नहीं निकले। अब आप सोचिए, आप सोचिए, लोगों ने फिर भी चुपचाप घर में बैठना पसंद किया, दो कारण, एक तो महामारी के पता नहीं है महामारी किसको डस लेगी, और दूसरा संघियों की मारी, साले डंडा लेकर के आ जाएंगे, कहीं बजरंग दल आ जाएगा, कहीं विश्व हिंदू परिषद आ जाएगा, कहीं संघी लोग आ जाएंगे, और कुछ नहीं तो पुलिस वालों के साथ मिलकर के लोगों को मारेंगे, तो सब घर में दुबक के बैठ गए, ये हमारा भारतवर्ष, सब घर में दुबक के बैठ गए, इसलिए नहीं कि मोदी जी ने कहा था, इसलिए कि मोदी के लोग मारेंगे, इसलिए घर में दुबक के बैठ गए, और नहीं तो महामारी मार देगी, ये एक फियर साइकोसिस नरेंद्र मोदी ने पैदा करवाई इस देश के अंदर, लॉकडाउन वन, लॉकडाउन टू, अरे टू तक आते आते तो भैया कमाल हो गया, संघी मुसलमान हो गया, टू तक, लॉकडाउन टू तक मेरे ख्याल से आते आते कमाल हो गया, और संघी लोगों ने कोरोना को मुसलमान बना दिया। और फिर जो ये हमारा प्यार भरा देश के अंदर गोदी मीडिया है जी, गोदी मीडिया, याद है सुधीर चौधरी, वो तिहाड़ी, एक एक चीज को मिस रिपोर्ट कर रहा था, और खाली वो नहीं था, वो है एक दीपक चौरसिया, महानालायक आदमी उसी तरह, और ऐसे बाकी लोग भी, एक वो हमारे प्रिय मित्र जिनके साथ मैंने पता नहीं कितने डिबेट किए हैं, अर्णब गोस्वामी, लगे पड़े घोड़ा चढ़ा के, करना 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 मार दो, गोली मार दो, यानी क्या नाटक इन लोगों ने किया, और मुसलमानों को, निजामुद्दीन के मरकज को, तबलीगी के मरकज को टारगेट करके जो इन लोगों ने घिसाई करी है टॉपिक को लेकर के, यहां तक के वो जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली से मेरे ख्याल से, बिधुड़ी बिधुड़ी सरनेम है, उसका एबीपी न्यूज पर मैंने क्लिप देखा, आदाब करने से कोरोना की वेव्स मुंह में जाती हैं, अरे चमकनाती का मन किया, इसको किसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, कहता आदाब करने से, इसलिए आदाब मना किया है, रिकमेंड नहीं किया कि आदाब करने से कोरोना की रेस ऐसे मुंह में जाती हैं, और देशद्रोही लोग हैं जो आदाब करते हैं, अबे बिधुड़ी होगा तू बहुत बड़ा किसी कास्ट का लीडर, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तेरे घंटा नहीं पता, ऐसा करने से मोदी जी बोलते एक बार बिधुड़ी तेरे को चैलेंज है, खुला चैलेंज है, मैं तेरे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा, मोदी जी को फोन पे ये बुलवा दे, सामने तो आएंगे नहीं, फट्टू है, एक बार उनसे फोन पे बुलवा दे कि आदाब करने से कोरोना की रेस मुंह में जाती है, और ऐसा करने वाले देशद्रोही, एक बार करवा के दिखा दे, नालायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसे ऐसे लोग, I mean, I'm just recounting. I can go on and on. कि रोज के कैसे नाटक हुए, एक वो भारतीय जनता पार्टी के महानतम नेताओं में से एक शिवराज सिंह चौहान, वो दिग्विजय सिंह को बोलते हैं, दिग्विजय जी, सॉरी आई एम सॉरी
ये शिवराज सिंह चौहान ये कमलनाथ जी को कहते हैं, जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे, कि कोरोना का नाटक बंद करो, अब क्या हुआ, खटिया पकड़ ली है शिवराज जी, खटिया पकड़ ली, काहे पकड़ ली भैया, कोरोना हो गो है, का हो गो कोरोना, ऐसे नालायक लोग बैठे। एक वो चक्रपाणी महाराज हैं कोई, उनके जैसे लगे पड़े, गौमूत्र पी लो, गौमूत्र मूत्र गौमूत्र पी लो, अबे मूत पीने से कोरोना ठीक होगा, गौमूत्र पी लो, गोबर खा लो, कुत्ते की टट्टी उठा लो, ये सब करने लगे ये बेवकूफ लोग। और फिर वह आगे काड़ा राजा मेरी कोरोनिल बनाती, कोरोनिल का हुआ, कोरोनिल बैठ करके टीवी चैनल्स के ऊपर पूरा पूरा प्रोग्राम चला रहा कोरोनिल के नाम से, कि हमने दवाई बना ली है, हमारे पास परमिशन है। दूसरे दिन पड़ा ये लप्पड़ काणिए को, ये लप्पड़ पड़ा, झूठ बोलता है, देश को गुमराह करता है, लुपट्ठा, नहीं 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 हमने तो नहीं बनाई है, हमने तो सिर्फ वो अच्छा करेगा शरीर को। अबे काणिए मोदी की सरकार हटने दे, देख तेरी पिछली बार सलवारी था ना, इस बार धोती फटेगी तू देखियो, साले दो पैसे कमाने के लिए तुम कुछ भी करते हो। फिर आ गया जी नेपाल का एंगल, कि नेपाल हमारे साथ बदतमीजी कर रहा भारत में, ये इसी कोरोना काल में, तब तो तूने ना निकाला तेरा बालकृष्ण को, उठा के नहीं फेंका कंपनी के मालिक को तेरे, है काणिए। फिर चीन ले आए, जस्ट इमेजिन, आज तक ये नहीं पता कि मेरे जो सैनिक शहीद हुए हैं वो हमारी जमीन पे हुए कि उनकी जमीन पे हुए, रोज टीवी पे हम झगड़ते हैं तो भी नहीं पता चल रहा, सरकार बोलती नहीं, मुंह बंद करके बैठी ऐसे, मुंह बंद करके बैठी सरकार, कि मोदी जी जुबान तो है नहीं, वो खाली रैली में कह 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 कर सकते हैं, बाकी तो वो उतरा नहीं सकते, अब वो अपने पिल्ले भेज देते हैं वो टीवी चैनल के ऊपर जाकर भाव भाव करते रहो, नेहरू ने किया, नेहरू ने ये किया, अबे नेहरू ने जो किया ना, नेहरू ने अगर उस समय हम दो हमारे दो का चला दिया होता ना कैंची, तो बेटा तुम पैदा ही नहीं हुए होते, समझे, नेहरू जी की सिर्फ इतनी गलती, हम कहते नेहरू जी की गलती, हम दो हमारे दो चला देना था प्रधानमंत्री बनते ही, हम तो होते, ये तो पक्का है, हम तो होते, मोदी जी आप नहीं होते, चौथे नंबर पे हो, अजाने आपको पूरी लीडरशिप नहीं होती इस समय की शायद। एनीवेज दैट्स नॉट द टॉपिक हियर, द टॉपिक इज के जिस तरीके से 15 लाख ये आए हैं, ये एक बहुत दुख की बात है कि भारत सरकार और मोदी जी ने, क्योंकि सही तरीके से, अरे हाँ जो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, फोदी जी आ गए, फोदी जी, अरे फोदी जी 15 लाख आ गए, ये फोदी जी आ गए हमारे, देखिए हमारे फोदी जी हैं, हैं इनके सर पे एक बाल भी है यहाँ पे ऐसे टांगने के लिए हैं, तो ये फोदी जी आ गए आज, जैसा कि इन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ आप सब लोगों के साथ ज्वाइन करूंगा आज, तो ये फोदी जी आज आ गए हैं। आप लोग अगर फोदी जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आज पूछ सकते हैं, इनके मुंह में जो जुबान ये दिख रही है ना, बस ये ऐसी ही है, ये भारत में हंसने के लिए है, ये भारत की जनता पे हंसते हैं फोदी जी, बाकी ये जुबान यहाँ नहीं है बोलने के लिए, ये सिर्फ रैलियों में बोलते हैं, भारत की जनता पे हंसते हैं, ये है फोदी जी, और इन फोदी जी की बदौलत आज आपके पास 15 लाख हो गए, भारत विश्वगुरु बनने की राह पे, देखिए ये हमारे फोदी जी हंस रहे हैं आप पे, क्यों फोदी जी आपने सही समय पे डिसीजन क्यों नहीं लिया था, कुछ तो आपने सोचा होगा ना, नहीं वो हंसते रहेंगे, आपने नमस्ते ट्रंप को इतनी तवज्जो दी फोदी जी, आप कम से कम कुछ तो सोच लेते देश के बारे में, नहीं आप पे भी हंस रहे हम पे भी हंस रहे, जवाब नहीं देंगे, अरे फोदी जी ये तो बता दीजिए कि आपने जी टीवी के सुधीर चौधरी को जेल में क्यों नहीं डाला, जब उसने जिस तरीके की गलत रिपोर्टिंग करी और गलत बातें करी और देश को भ्रमित किया, है जब मेरे पे हंस रहे ये हमारे फोदी जी हैं, फोदी जी सिर्फ हंसेंगे ये है। अच्छा फोदी जी इतना तो बता दीजिए देश को कि जो नौकरियां चली गई हैं और जो इस समय नौकरियां जाने के बाद जो लोग परेशान हैं, तो उसके बारे में हैं। अच्छा फोदी जी कह रहे आह जी बोलेंगे आह जी, तो ये हमारे देखिए देश के दो महान लोग फोदी जी, देखिए ये फोदी और आह दोनों
लोग आ गए और ये सिर्फ हंसते हैं देश पे, आपकी गुर्बत पे, आपके परेशानियों पे सिर्फ हंसते हैं। और ये मोदी जी, आप ही ने तो कहा था कि जब देश को लगे कोई गलत काम करो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये अचंभित पात्रा कहां से आ गया, ये अचंभित क्यों, ये देख आ गया अचंभित पात्रा है। अपना वो पनिशमेंट सुनते ही अचंभित जरूर आ जाता है। अचंभे तेरे से बाद में बात कर लेंगे, ओके गेट लॉस्ट। हाँ फौजी जी, तो आप ही ने कहा था कि आपके साथ देश वो पनिशमेंट करना चाहे, जो पनिशमेंट करना चाहे करेंगे। हम तो कहते हैं आपके 15 लाख और हम लोगों की 15 लाख। बोलिए मंजूर है, मंजूर है। जिस जिस को ये प्रोग्राम देख रहा है और ये प्रोपोजिशन पसंद है कि मोदी जी के ऐसे 15 लाख, फोदी जी के ऐसे 15 लाख पे, क्या फोदी जी को 15 लात पड़नी चाहिए फोदी जी को? अगर हाँ तो शेयर दबाइए, कमेंट करिए ताकि पता चले फोदी जी को कि फोदी जी ऐसे 15 लाख के बदले में 15 लात मिलती हैं। समझ में आया? एंड नाउ यू मे गो बिकॉज आप तो टैक्स पेयर के मनी पे इंजॉय कर रहे हैं। बाय, कीप लाफिंग ऑन दिस कंट्री एंड यू कैन डू नथिंग एल्स। अचंभित, आई टोल्ड यू पंखे से मैं उल्टा टांग लूंगा, लटका करके गोल घुमाऊंगा, समझ ले हैं? चल अचंभित, यू आर देयर अचंभित पात्र। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि 15 लाख मरीज का टोटल काउंट हुआ है, जिसमें करीब 9 लाख से ज्यादा ठीक हुए बताए जा रहे हैं, 33,000 से ज्यादा की मृत्यु हुई है, 33,800 से ज़्यादा लोगों की आत्मा को शांति मिले। इस देश में कोरोना का जो ये ड्रामा चला रखा है इन लोगों ने, ये ख़त्म हो। और फ्लू है, फ्लू हर एक को होता है, वायरल फीवर। मेरे ख्याल से अब इस देश को वापस ट्रैक पे लाने में बहुत समय लगेगा। जिसमें समय नहीं लगना चाहिए वो है कि मोदी सरकार को उखाड़ के फेंको, इलेक्शन का वेट नहीं करना। लेट्स वर्क इट आउट। 15 लाख आप लोगों को कतई मुबारक नहीं, क्योंकि ये बीमारी है। नरेंद्र मोदी और सरकार, सबसे घटिया सरकार इस देश में अगर कोई है आपकी। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।